प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या से बोलेंगे, उसमें क्या होगा? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बींग होना चाहिए का पर्सन, है ना, इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? कैसे मेंटेन करेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, है ना। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किस डाइट में, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या होंगे? ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट, एनर्जी के लिए भी ज़रूरी होता है ना, तो उसको क्या बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। पर्सनल हाइजीन भी नेसेसरी होता है। ठीक है, तो एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक बाथ रेगुलरली, है ना, एटलीस्ट वंस एवरी डे। ठीक है ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि जो आपके पर्सनल हाइजीन है वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि उसको क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में कोई भी ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, नशा करने लग जाते हैं। नशा क्या, किसी भी तरह का नशा हो सकता है। वो क्या कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चैनी खैनी, शिखर विखर, वो जो खाते हो हैं, और पहले तो चुटकी फुटकी से शुरू करते हैं और क्या कहते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, है ना। तो ये सब सारे एडोलेसेंस एज में क्या करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है ना, अब है एड्स जो है वो क्या होता है, एड्स इज डेंजरस डिजीज़ विच इज़ कॉज बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। ठीक है, और HIV की फुल फॉर्म होती है क्या, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, मैंने आपको क्या HIV की बोल दी। HIV की तो क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, और एड्स की होती है क्या, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, हमारी बॉडी में देखो ग्लैंड्स होती हैं ये। ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जस्ट बिलो ब्रेन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो इसके कहने पे ही क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करेंगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, उसके नीचे आओगे, नीचे आते रहोगे तो यहाँ पर क्या नेक है, तो नेक के अंदर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, अब इनके क्या, ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, और स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, पैनक्रियाज होता है ये। ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है वो क्या, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। उसके नीचे किडनी के ऊपर ये क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और ओवरीज केवल क्या होगी, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा। और टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस जो ग्लैंड्स होती है वो केवल किस में होते हैं, मेल्स में। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये जो सारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है तो मैंने अभी बताया ही है कि वो कहाँ आता है, जस्ट बिलो ब्रेन, है ना। और वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यही क्या करेगा, डिसाइड करता है कि और जो ग्लैंड्स हैं वो कब हार्मोन सिक्रीट करें। ठीक है, अब जो अब ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा कि जो चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स ड्वार्फ। ठीक है, वो छोटा ही रह जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुत टॉल हो जाता है या फिर जियांट हो जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ, अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है,
अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर, उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी और बाकी जो ग्लैंड्स है वो जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे वो कौन कंट्रोल करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी, तो जो चाइल्डहुड है वो रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स ड्वार्फ, ठीक है। अब वो क्या होगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। अब है अगर ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, बहुत विशालकाय हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये मैंने बता ही दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है ये, मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच इट सिक्रीट्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। नेक्स्ट है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड का होगा इन द नेक, है ना, नेक में ही है। और ये क्या करता है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इसकी डेफिशिएंसी, थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, गॉइटर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। गॉइटर डिजीज़ देखो इस तरह से हो जाता है, ऐसे नेक क्या होता है, स्वेलन नेक हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसीलिए क्या कहते हैं, लोगों को क्या करा जाता है, एडवाइस की जाती है कि क्या करें, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करें, ठीक है, किस लिए, कि प्रिवेंट गॉइटर डिजीज़, ठीक है। तो इस तरह से हो जाते हैं। अब देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होता है, स्टोमक के बिलो मतलब नीचे होता है, ठीक है। और पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि शुगर लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है, ठीक है। और इंसुलिन कि ये तो आपने बहुत सुना ही होगा कि इसकी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे कब ये कब ज़्यादा होएगा, जैसे आपको एंगर गुस्सा आ रहा है, या फिर एक्साइटमेंट हो रहा है, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस हो रही है, जैसे सरप्राइज एंगर, तो ये उस टाइम पे क्या होता है, ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक और हार्मोन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, मेंटेन्स द क्या, सॉल्ट बैलेंस इन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। तो ये सॉल्ट को बैलेंस करने के काम करता है, कौन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, ओवरीज और टेस्टिस। जो ओवरीज होती है वो केवल फीमेल में प्रेजेंट होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन से क्रिएट करती है, ठीक है, इसके क्या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। अब टेस्टिस जो होता है वो केवल मेल में प्रेजेंट होता है और कौन सा हार्मोन से क्रिएट करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो ब्रॉट अबाउट बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा था ना, तो ये किसके कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। और ऑल एम्फीबियंस नीड थायरॉक्सिन हार्मोन टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड चेंज फ्रॉम लार्वा इनटू एडल्ट्स। अगर इसकी कमी होगी तो वो क्या होगा, वो एडल्ट्स में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स सच एज सिल्क मॉथ इज कंट्रोल्ड बाई इंसेक्ट हारमोन्स। और ये किसके कारण होता है, इंसेक्ट हारमोन्स के कारण होता है। और यहीं पर आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।